अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ध्यान रहे नीचे इनकम टैक्स रिफंड भी दिया हुआ है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स की पेड की या मेड की कोई भी फिगर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड दिया हो तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि नेट आइटम लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब टैक्स पेड है 10,000, प्रोविजन मेड है लेट अस अज्यूम 12,000 और 1,000 टैक्स रिफंड है, तो वो जो 10,000 वाली फिगर है उसमें से माइनस करके उसको 9,000 बना देंगे और जो 12,000 वाली फिगर है उसमें से 1,000 माइनस करके हम उसको 11,000 बना लेंगे। याद रखें इनकम टैक्स रिफंड जब भी किसी क्वेश्चन में दिया हो उसको टैक्स की पेड और मेड दोनों फिगर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट्स, गेन ऑन सेल, इनकम टैक्स रिफंड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सब दिया हुआ है। सो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होना चाहिए, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है। कॉमन सेंस है, आफ्टर डिविडेंड है तो आफ्टर टैक्स तो अपने आप ही होगा। तो मैंने क्वेश्चन की फिगर पकड़ी, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड दैट इज इक्वल टू 15,000 बच्चों। अब इसके अंदर मुझे कोई डिविडेंड की फिगर या टैक्स की फिगर दी हुई है तो उसको एडजस्ट करना है। मैंने सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स को एडजस्ट किया। अभी मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में 4500 दिया हुआ है लेकिन साथ ही में 1000 का रिफंड भी दिया हुआ है, तो 1000 का रिफंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो नेट फिगर विल बी 3500। बिल्कुल इसी तरह से डिविडेंड प्रपोज्ड की फिगर भी दी हुई है बच्चों क्वेश्चन में 5000 रुपीज की भी, वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। अगर कोई रिजर्व वगैरह दिया होता तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, फिलहाल है नहीं। 5000 रुपीज प्रपोज्ड डिविडेंड मैंने ऐड कर दिया, फिगर आ गई मेरे पास 8500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 23,500। सो फर्स्ट आइटम टू स्टार्ट माय कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड हमारे सामने आ चुकी है और अब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा मैंने, इसमें से मैंने नेट प्रॉफिट की फिगर ली क्वेश्चन में जो अभी भी कैलकुलेट की है मैंने 23,500 रुपीस की, और अब बहुत सारे फिगर्स दी हुई हैं जिसको मुझे एडजस्ट करना है, धीरे धीरे करते हैं बच्चों। चलिए नेट प्रॉफिट की फिगर लिख ली 23,500 और अब एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को मुझे एडजस्ट करना है। सो अब उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, मतलब जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं उनको एड बैक कर दूंगा, कोई इनकम जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो एड, सबसे पहले डेप्रिसिएशन किया बच्चों 2000, ये नॉन कैश आइटम है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड किया 1000, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कैश की आइटम तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। पेटेंट्स अमर्टाइज्ड, ये नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है, ना इसमें हमारी कोई कैश जा रही है ना ही हमारा बिजनेस पेटेंट्स को राइट ऑफ करने का है, सो पेटेंट्स एमर्टाइज्ड या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 5000 रुपीज ये भी ऐड कर लिया बच्चों हमने। इसके बाद इसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वो भी मैंने ऐड कर ली 1000 रुपीज। इसके अलावा क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 2000 रुपीज की, जैसा कि मैंने बताया कि सारे एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड बैक कर लेते हैं लेकिन अगर कोई इस तरह की इनकम्स होती हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 2000 रुपीज। तो सिंपल हो गया बच्चों, 9000 रुपीज की फिगर्स मैंने ऐड करनी है, 2000 प्लस 1000 प्लस 5000 प्लस 1000,
9000 ऐड किया, टोटल हो गया 32,500 और इसमें से 2000 रुपीस का गेन मैंने माइनस किया, 30,500 रुपीस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अगर ये पॉजिटिव है तो हम वर्ड लिखेंगे फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन अगर हमारे पास अगर ये नेगेटिव होता तो हम लोग कैश फ्लो यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एनीवे इसका ही बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन अगर क्योंकि मुझे वर्किंग कैपिटल्स की फिगर नहीं दी हुई तो इसी को हम लोग बोल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 23,500 सबसे पहले प्रॉफिट निकाला, 9,000 की मैंने फिगर एडजस्ट की जो कि मेरी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी, 2,000 रुपीज मेरे प्रॉफिट्स की आइटम्स थी, उसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 30,500 रुपीज हमारे सामने है। Am I right? Operating profit before working capital मैंने लिखा है, working capital changes, लेकिन अगर working capital current asset और current liability से कुछ figure ही नहीं दी हुई तो basically हम लोगों को इसी को cash flow from operating activities लिखना है। Am I right? Okay, done.